Hello students, good morning to one and all. This video lecture is related with the scales in fishes. The whole lecture is divided into two videos, and both videos will cover introduction part, their types, their development, their significance and their functions. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, अगर हम देखते हैं स्केल्स की बात अगर हम करते हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वी विल फाउंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ स्केल्स प्रेजेंट प्रेजेंट लाइक एपिडर्मल स्केल्स एंड डर्मल स्केल्स. एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं ये बेसिकली मेलपिगियन लेयर से बनते हैं. स्किन में जो एपिडर्मिस होती है, ये हमें पता है कि स्किन एपिडर्मिस की 6 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. तो जो उसमें सबसे जो नीचे लेयर प्रेजेंट होती है, दैट इज द मेलपिगियन लेयर. उस मेलपिगियन लेयर से जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल स्केल कहते हैं. इसी के साथ और ये जो स्केल्स होते हैं, ये दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स दैट इंक्लूड्स रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स. जब हम इन टेगमेंटेड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में इन एपिडर्मल स्केल्स की बात करेंगे. डर्मल स्केल्स जो हम फिशेज में बात करने वाले हैं, दे आर बेसिकली डर्मल इन नेचर, दे आर बेसिकली मेसेनकाइमल इन ओरिजिन, और दे आर स्मॉल थिन कॉर्निफाइड कैल्केरियस एंड बोनी प्लेटेड होते हैं, विच फिट क्लोजली टुगेदर और ओवरलैप. एज रिगार्डेड विद द अरेंजमेंट, अगर हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, तो अरेंजमेंट का पैटर्न अलग अलग टाइप की स्पीसीज में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटाट डिफरेंट हो सकता है. टाइप्स ऑफ स्केल्स हैबिटाट पे डिपेंड करते हैं और इनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है. हम कहेंगे हैबिटाट तो हम एक्वेटिक है, हम एक्वेटिक फिशेज एक्वेटिक है, तो हम वही की बात कर रहे हैं. तो फिर अलग टाइप्स कैसे हो गए या अलग टाइप का आपका अरेंजमेंट कैसे हुआ? एक्चुअली वाटर में भी अलग अलग टाइप का हैबिटेट हो सकता है. दे मे बी टॉप सरफेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं, दे मे बी बॉटम ड्वेलर हो सकते हैं, दे मे बी ग्लाइडिंग हो सकते हैं, क्लाइंबिंग हो सकते हैं. तो फिशेस एक ही हैबिटेट में रह रही हैं, लेकिन उनका जो एक निश है या जो उनका एक जो माइक्रो हैबिटेट है, वो उनका डिफरेंट हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर फिशेज जो हैं ये अलग हो सकती है. लाइक हिल स्ट्रीम फिशेज होती हैं, वो अलग एक अपना नेचर है. फ्रेश वाटर अलग होती है, मैराइन अलग होती हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस भी प्रेजेंट होते हैं फिशेज में इटसेल्फ. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इनमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. लाइक आप बात करेंगे जैसे कि शिंगल्स में अगर हम बात करते हैं, तो रूफ पे प्रेजेंट है विद देयर फ्री मार्जिन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द टेल सो एज टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ऑफ वाटर. ठीक है, तो इनका पैटर्न जो है वो फ्रिक्शन को बचाने के लिए किया जाता है. ये हमें पता है कि जो फिशेज हैं एक्वेटिक नेचर हैं, तो उनका उनमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, अडेप्टेशन होते हैं टू बेस्ट फिटेड इन देयर इन्वायरमेंट. तो इसके अकॉर्डिंग जब भी हम बात करेंगे एक्वेटिक की, तो स्ट्रीम लाइन बॉडी की हम बात करते हैं, स्ट्रीम लाइन होती है. इसके साथ में ही वो स्ट्रीम लाइन जो बॉडी नेचर है, वो क्या करता है आपके वाटर के फ्रिक्शन को कम करने के लिए होता है. इसी के साथ अगर हम देखते हैं, तो इनके जो स्केल्स का पैटर्न है, वो भी कुछ हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि किस तरह से वाटर के फ्रिक्शन को आप कम कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से लोटा एंड एंगुला है, यहाँ पे क्या है, मोज़ेक होता है. दे आर सेपरेटेड माइनिंगली और मीट देयर नेबर्स ओनली एट देयर मार्जिन्स. स्केल्स मे वेरी इन साइज एंड शेप इन द डिफरेंट स्पीशीज. ठीक है, सिलियरिडी फैमिलीज हैं, इनमें क्या होता है, आपको स्केल्स जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं. फिशेज स्केल्स आर यूजुअली फाउंड कवरिंग एंटायर द बॉडी सर्फेस, बट इन सम फिशेज सच एज काइमेरास, पॉलीडॉन एंड एल्सिपेंसर, यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोकलाइज्ड रीजन में ही आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं. प्रिमिटिव फॉसिल फिशेज ऑफ सिल्यूरियन एंड डिवोनियन पीरियड पजेस एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स एंड स्केल्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स. द इनमोस्ट लेयर जो होती हैं, यानी फिशेज में जो होता है, एक अगर हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न देखते हैं, तो हर तरह की स्केल्स में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज आइसोपिडिन, इमीडिएट जो होती हैं दैट इज इंटरमीडिएट स्पॉन्ज लेयर, एंड आउटर मोस्ट जो होती है ये डेंटाइन लेयर होती है. ये हम इनका डेवलपमेंट देखेंगे अभी, फिशेज में डेवलपमेंट स्केल्स का कैसे होता है. तो वहाँ पर आप डेंटाइन लेयर है या स्पॉन्ज लेयर है, आइसोपिडिन लेयर है, वहाँ पर आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे. क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं, तो दो तरह के क्लासिफिकेशन यहाँ पे किए हुए हैं. दोज विच आर फॉर्म्ड ड्यू टू द सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ बोथ एपिडर्मिस एंड डर्मिस एज प्लेकोइड स्केल्स और ऑफ एलोस्मोब्रैंकियम. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसके बेस पे हैं. यदि डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों के कंबाइंड एफर्ट से बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्लेकोइड स्केल्स कहते हैं.
एंड प्लेकोइड स्केल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एलास्मोब्रैंकियाज, या हम कहेंगे इनको कार्टिलेजिनस फिशेस। नॉन प्लेकोइड स्केल्स जो होते हैं आर दो दैट डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द डर्मिस एज द स्केल ऑफ टीलियोस्ट। ठीक है, तो जो आपके मॉडर्न फिशेज हैं वहाँ पे आप क्या देखेंगे, दे आर डिराइव्ड ओनली फ्रॉम द डर्मिस। Structurally, the scales are classified as cosmoid, bonoid, rhomboid, ठीक है, प्लेकोइड, cycloid and टीनोइड। The last two are also called bony ridge scale, ठीक है, cycloid and टीनोइड को। यहाँ पे जो मैंने वीडियोज को बनाया है ये एक्चुअल में प्लेकोइड स्केल आपका डिटेल में जाता है। प्लेकोइड स्केल पे आपको इंडिविजुअली भी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने प्लेकोइड स्केल्स, स्केल का मॉडिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस, इसको मैंने एक अलग वीडियो में रखा है। Rest of the type of scales are present in this video, in which we are going to study about the cosmoid scales, gnoid scales, cycloid scales and ctenoid scales. These are the different type of scales you can see here. ठीक है, प्लेकोइड स्केल सबसे पहले हैं, then gnoid scales, cycloid scales and ctenoid scales. Let's have an brief discussion one by one. ये आपके हैं कॉस्मोइड स्केल्स। कॉस्मोइड स्केल्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके जो क्रॉसोप टेरेजेनी या जो डिप्नोई है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कॉस्मोइड स्केल्स जो होते हैं बेसिकली प्रिमिटिव कैरेक्टर है। आपको ये ऑस्ट्रोकोडर्म्स में देखने को मिलता है, प्लेकोडर्म्स में देखने को मिलता है, और ये जो आपके जो एक्सटेंट हो चुकी हैं स्पीसीज वहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्केल इज थिन एनामल लाइक, ऑल्सो कॉल्ड विट्रोडेंटाइन। मिडिल लेयर जो होती है ये आपके किसकी बनी होती है, नॉन सेलुलर डेंटाइन लाइक मटेरियल की बनी हुई होती है। अच्छा, हमने जो एक स्टैंडर्ड लेयर्स देखी थी, ठीक है, विट्रोडेंटाइन, देन स्पॉन्जी लेयर एंड डेंटाइन, ये आइसोपिडिन, ठीक है, ये आपके कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी स्केल्स में प्रेजेंट हों। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके एडिशनल भी लेयर्स हो सकती हैं। ओके, सो इनर लेयर जो होती हैं आइसोपिडिन की बनी हुई होती है। These scales grow by addition of the new isopyridine material from below and long along the edges. Cosmoid scales are not found in the living fishes. Living dipnoids possess thin cycloid scales have lost the cosmoid layer. ठीक है, तो ये आपको dipnoids जो होते हैं लंग फिशेज उसमें हम cycloid scales को देखते हैं। Gnoid scales, gnoid scales जो होते हैं ये आपके present होती हैं primitive archaeopterygian और gnoid fishes ही इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो scales are scales are heavy and have an outer layer of hard inorganic enamel material called gnoin. Middle layer जो होती है इनकी branching tubules present होती हैं। Inner most layer is thickest and is made up of the in lamellar bone isopyridine. The scales grow by addition of the new layer to lower as well as upper surfaces. These scales are usually rhomboid in shape and articulate by peg and socket joints. तो इसमें कैसे होते हैं, rhomboid shape में होते हैं। रोम्बोइड शेप में इनमें कैसा होता है, पैग एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे आपको एक लूज में ये क्लियरली आपको नजर नहीं आ रहा है। ग्नेड स्केल्स जो होते हैं आर बेस्ट डेवलप्ड इन द कॉन्ड्रोस्टियन। ठीक है, तो आप जब हम फिशेज का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। ठीक है, इसके बाद में जब आप जो दूसरा एक टाइप है सार्कोप्टेरिजन उसमें आप देखते हैं कॉन्ड्रोस्टियन, होलोस्टियन, टीलियोस्टियन। तो कॉन्ड्रोस्टियन, होलोस्टियन में आपको ग्नेड फिशेस मिलते हैं, ग्नेड स्केल्स मिलते हैं। इसी की वजह से आप इसको क्या कहते हैं, ग्नोइड, ग्नोइड फिशेस भी कहते हैं हम उन्हें। इन एसिपेंसेस दे आर फॉर्म इन द लार्ज आइसोलेटेड बोनी स्क्यूट्स एंड प्रेजेंट इन फाइव लॉन्गिट्यूडनल रोज प्लेस वेयर देर इज अ ग्रेटर वेयर एंड टेयर। ठीक है, ये अच्छे स्केल्स जो है एपिडर्मल डेरिवेटिव हो या डर्मल डेरिवेटिव हो, इनमें वेयर टेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। हमारा स्किन भी जो है उसमें भी क्या होता है आपका पीरियडिकली ये जो होती है रिमूव होती रहती है बॉडी से। इन लेपिडोसीटस द स्केल्स आर हार्ड पॉलिश्ड रोम्बोइड प्लेट फिटिंग एजेस टू एज दस फॉर्मिंग ए कम्प्लीट आर्मर। स्केल्स ऑफ फिशेज हैव लॉस्ट द मिडिल कॉस्माइन एयर दस रिड्यूसिंग देयर थिकनेस एंड रिजिडिटी। मिडिल लेयर जो होती है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद देयर थिकनेस। तो यहाँ पे क्या है, मिडिल लेयर जो होती है इनकी नहीं होती है या बहुत कम होती है। स्केल्स ऑफ एमए आर इवन थिनर, डू नॉट पजेस द ग्नेयन लेयर एंड रिजेंबल टिपिकल साइक्लोइड स्केल्स। साइक्लोइड स्केल ये आपका इम्पॉर्टेंट उसमें आ जाता है, आप जो लेबियो हम पढ़ते हैं आपके, तो उसमें साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइक्लोइड स्केल्स जो होते हैं ये आपके होलोस्टियाइज जो होती है फिशेज उसमें प्रेजेंट होते हैं।
Cycloid scales are thin, flexible, transculant plates, rather circular in outline, thicker in the center, and marked with several concentric lines of growth, which can be used to determine the age of fishes. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि cycloid scales में जो कि एक न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर है, जो कि हमारा जो थंब इम्प्रेशन होता है, ठीक है, उसमें भी कुछ हम इसी तरह की स्ट्रक्चर्स देखते हैं. न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ कुछ कंसेंट्रिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसके अलावा कंसेंट्रिक रिजेस प्रेजेंट होती हैं, दीज आर नोन एज सर्क्यूलाई. इसके अलावा हमें रेडियल लाइंस दिखाई दे रही हैं, दीज आर रेडाइज कहा जाता है, ठीक है. तो ये जो सर्क्यूलाइज हैं, दीज आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ एन इंडिविजुअल फिश, ठीक है. तो हम इस तरह से स्केल्स के थ्रू किसी फिश की एज को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं. इन सम स्पीसीज ऑब्लिक ग्रूव और रेड आई रन फ्रॉम द फोकस टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द स्किन. दे फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द स्किन एंड प्रोजेक्ट डायगोनली इन एन इम्ब्रिकेटेड पैटर्न. द पार्ट ऑफ द स्केल्स विच इज एक्सपोज टू व्यू इन सिटू कंडीशन जनरली शो लेस डिस्टिंक्ट रिच और सर्कुलर एंड क्रोमेटोफोर्स आर ऑल्सो समटाइम्स अटैच टू इट. द इंटीरियर आर लाई एम्बेडेड इन द स्किन. तो इसका जो इंटीरियर एंड है, ये जो आपको रेडाइज दिखाई दे रही है, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा वेवी होता है, थोड़ा सा स्पाइनी होता है. ये वाला पोर्शन बॉडी से बाहर की तरफ निकला हुआ होता है. अच्छा, स्केल्स जो होते हैं बहुत कलरफुल होते हैं. आप देखते हैं फिशेज जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, तो स्केल्स में भी क्या होते हैं आपके क्रोमेटोफोर्स होते हैं, विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर्स टू द स्केल्स. दिस इज द टीनॉइड स्केल. टीनॉइड स्केल्स जो होते हैं, ये मॉडर्न जो टीलियोस्ट फिशेज होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है. तो टीनॉइड स्केल्स आर सर्कुलर एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द साइक्लॉइड स्केल्स बाय हैविंग मोर और लेस सेरेटेड फ्री एजेस. इसमें क्या होते हैं, जो एजेस होते हैं वो इनके कैसे हैं, सेरेटेड होते हैं, ठीक है. तो अगेन दे आर फॉर द प्रोटेक्शन. Moreover, several spines are present on the surface. Posterior area of the scale, these scales are characteristic of modern higher teleost fishes में जो कि हैं ये present होते हैं, such as perches and sandfishes. They are more firmly attached to the exposed free end part and are not overlapped here. Numerous small comb-like teeth or spines. We can clearly seen here spiny-clated होते हैं ये, ठीक है. Immediate type between the cycloid and tenoid scales are also found in different part of the body. Certain fishes found as such as flounders may bear both types, tenoid scales dorsally and cycloid scales ventrally. ठीक है, तो कुछ फिशेज हैं जिसमें cycloid and tenoid दोनों प्रेजेंट होते हैं. तो ये जो भी आपकी बोनी फिशेज हैं उसमें आप कॉन्ड्रोस्टियाई, होलोस्टियाई एंड टीलियोस्टियाई की बात करते हैं, ठीक है. कॉन्ड्रोस्टियाई एंड होलोस्टियाई जो होती है, यहाँ पे आप देखते हैं आपके gnoid फिशेज, gnoid स्केल्स होते हैं. होलोस्टियाई में आप साइक्लोइड स्केल्स को देखते हैं, एंड मॉडर्न जो टीलियोस्टियाई हैं या आपके जो लोअर टीलियोस्टियाई हैं वहाँ पे भी आपको साइक्लोइड स्केल्स दिखा देते हैं. टीनियड स्केल्स जो हैं ये आपके मॉडर्न टीलियोस्ट में प्रेजेंट रहते हैं. दिस स्लाइड इज अगेन शोइंग सम साइक्लोइड स्केल्स हैव बोथ एंड स्मूथ एज एंड बैक साइड यहाँ पर दिखाई दे रही है. टीनियड स्केल्स हैव टीथ लाइक प्रोजेक्शंस अलॉन्ग द बैक साइड. Fish scales are composed of connective tissues covered with calcium. Typically, soft rayed fishes have smooth cycloid scales and spiny rayed fishes have tenoid scales. Scales can be used for aging of fishes. ये हमने देखा कि ये जो भी एक न्यूक्लियस है, या जिन न्यूक्लियस को हम फोकस भी कहते हैं, इसके चारों तरफ कंसेंट्रिक लेयर में लेयर्स प्रेजेंट रहती हैं. इन लेयर्स की ये जो हैं, दीज लेयर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द एज ऑफ एनी फिशेज. सो वी कैन calculate or we can have a rough idea about the age of fishes. Thank you. In the next video, we will cover placoid scales, their homologies, their development, then the functions, and then the importance of scales. Thank you.